ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्रीन हाइड्रोजन यानी हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। मुकुल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत चर्चा होती है, तो हमारे श्रोताओं के लिए या आम जनता के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये हरित या ग्रीन हाइड्रोजन है क्या और पर्यावरण के लिए किस तरह से उपयोगी है, लाभकारी है। देखिए, हमारे जो केमिकल पदार्थ हैं नेचर में या प्रकृति में, उसमें एक शेड्यूल बना हुआ है कि हरेक केमिकल एलिमेंट का क्या स्थान है। हाइड्रोजन का पहला स्थान है, का मतलब ये सिंपलेस्ट केमिकल पदार्थ है और ये स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक विशेषता यह है, 75% जो केमिकल पदार्थ हैं प्रकृति में वो हाइड्रोजन ही है। इतनी ज्यादा मात्रा में कोई और पदार्थ नहीं है प्रकृति में और इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। अब समस्या ये आती है कि हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में है पर ये अकेला नहीं मिलता है। सिर्फ हम हाइड्रोजन को नहीं देख सकते हैं, ये हाइड्रोजन अमोनिया, कार्बन या अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित रहता है। तो हाइड्रोजन का उपयोग करने से पहले हमको इसको अन्य पदार्थों से अलग करना होता है। अलग करने के लिए ये देखा गया है कि भारी तापमान की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। जैसे पानी से हीट करके अगर हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर में करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है। प्रश्न ये आता है कि हमने अभी तक इसका उपयोग क्यों नहीं किया इतनी बड़ी मात्रा में। हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि अन्य पदार्थ हमारे लिए अब अवेलेबल थे एनर्जी के लिए या ऊर्जा के लिए, जैसे मिसाल के रूप में बहुत पहले ये माना गया है कि 2 लकड़ियों को घिसकर चिंगारी निकली और आग बन गई। लोग उस समय जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, आग का प्रयोग हुआ। फिर किसी ने कुछ पत्थर उठाया जमीन से और उसने देखा कि ये भी सुलगता है कोयला। कहीं चलते फिरते लोगों ने देखा कि एक लेक है यूरोप में और एशिया के बीच में जिसके ऊपर तेल तैर रहा है। उनको ये नहीं मालूम था क्या है, एक पदार्थ तैर रहा है, उसको बोतल में रखा और उसमें कुछ रुई या कोई कपड़ा डाला तो उसमें चिंगारी लगा के उससे प्रकाश आने लगा। इसी तरह से हमने आगे पानी के प्रयोग से पंचक्खियां बनाई, बिजली का उत्पादन किया, कोयले से बिजली का उत्पादन किया। फिर जब हमने गाड़ियां बनाई तो हमने इसी तरह से तेल का उपयोग करके हमने ऑटोमोबाइल का ये कार ट्रक बनाना शुरू कर दिया, रेलवे। इसी तरह से हाइड्रोजन के उपयोग में एक नई क्रांति आ सकती है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इसको हम स्टोर कर सकते हैं, इसको पाइपलाइन के थ्रू हम भेज सकते हैं और इसका प्रयोग हो सकता है स्टील में, केमिकल इंडस्ट्री में। प्रश्न सिर्फ इतना आता है कि किस तरह से इसको हम अलग करें अन्य पदार्थों से। और अभी तक हम कोयले से कर रहे थे, इसको हमने ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन कहा है। अब ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हुआ कि हमने रिन्यूएबल एनर्जी दैट इज सौर ऊर्जा से जी अगर इसका हमने मिश्रण अलग किया है तो वो पूरी चेन, पूरी व्यवस्था ही ग्रीन हो जाती है। जो आमतौर पे हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो उसका मोटे तौर पे क्या माना जाए कि ये बिल्कुल स्वच्छ है और इसका कोई अपशिष्ट यानी कि इसमें कोई भी इस तरह का पदार्थ नहीं निकलता जिसको हमको निपटाने की भी व्यवस्था करनी पड़े, क्या इसकी वजह से इसको हरित हाइड्रोजन कहा जा रहा है? क्योंकि उसमें दोनों तरफ से देखना पड़ता है कि एक किस तरह से उसका उत्पादन हुआ जी, किस मेथड को लेके किस प्रकार से इसका उत्पादन हुआ। और उसी के साथ ये होता है कि अगर हमने ग्रीन ऊर्जा के साथ, सौर ऊर्जा के साथ इसका उत्पादन किया तो इसमें कोई पोल्यूटेंट या कोई ऐसा पदार्थ नहीं निकलेगा जिससे हमको कोई परेशानी हो सके प्रकृति को। तो ये एक ऐसा आप कहिए चेन सा कहिए बन जाता है कि इसकी मात्रा बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, किसी एक देश में नहीं उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है। और अगर हम हाई केमिकल प्रणाली को अपनाकर और उसमें सौर ऊर्जा को अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो इसका एक अलग तरह से ये अलग पृथक हो जाता है अन्य पदार्थों से जी। और इसके प्रयोग को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर स्टील बनाने का काम होता है, स्टील बनाने में बहुत आग की जरूरत पड़ती है, कोयले की जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन के प्रयोग से हम स्टील बना सकते हैं पर उसमें ना तो कार्बन निकलेगा ना कोई और पदार्थ निकलेगा और उसको हम ग्रीन स्टील कह सकते हैं जी। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई तकनीक और नई ऊर्जा के जो विभिन्न स्रोत हैं उस पर बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं कि भारत को नई तकनीक पे काम करना चाहिए। हरित हाइड्रोजन के बारे में भारत किस तरह से कदम उठा रहा है और कितना आगे बढ़ चुका है? प्रधानमंत्री ने कही भारत ने बहुत सारे मिशनों का निर्माण किया। ये मिशन अपने में एक अनोखा मिशन है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मिशन है।
क्योंकि इस मिशन में प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत ध्यान दिया है और मैं अभी संकेत करता हूं कि किस तरह से उन्होंने जो ध्यान दिया उसका क्या लाभ होगा भारत को और किन किन बारीकियों में जाकर इस मिशन को बनाया गया है। सबसे पहले तो ये विजन रखा गया या कल्पना की गई कि इसका हम ग्लोबल हब रखेंगे। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि एक टारगेट होगा कि कितना हमने हरित हाइड्रोजन का प्रयोग कर लिया। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इसका प्रयोग ही ना हो, इसका प्रोडक्शन हो और इसका आयात निर्यात भी हो। तो ग्लोबल हब बनाने की जो सोच होती है, जब उस तरफ से हम कार्य करते हैं तो जो अन्य निर्णय लिए जाएंगे वो भी क्रांतिकारी होंगे। मिसाल के रूप में ये देखा गया है कई सेक्टर में इसका उपयोग हो सकता है। लो कार्बन स्टील है, गाड़ियों में है, आना जाना में, शिपिंग में है, वाहनों के लिए बायोमास स्टोरेज हो सकता है इसका। ग्रीन अमोनिया बनता है, अमोनिया फर्टिलाइजर में काम आता है। स्टील का उपयोग बढ़ने वाला है, जिस तरह से हमारा नगरीकरण बढ़ेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेलवे लाइनें बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री ने ये पहले ही सोच लिया है कि किन क्षेत्रों में और किन सेक्टर में हम इसके को बढ़ाएंगे। 20,000 करोड़ का पैसा रखा गया है। ये पैसा सिर्फ इसलिए नहीं रखा गया है कि हम इसके निर्माण में या अन्य कार्रवाई में करेंगे, इसका बहुत बड़ा हिस्सा R&D पे जाने वाला है। जी, R&D का महत्व इसलिए है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम हाइड्रोजन का प्रयोग बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन जिस देश में पैदा होगा असली फायदा उसको होगा, हमको फायदा नहीं होगा। हम उसी स्तर पर रह जाएंगे जैसे हम आज तेल के निर्यात में रहते हैं, कहीं और इसका उपलब्ध होता है, हम आयात करते हैं और हमारी आवश्यकता बढ़ती जाती है। तो ये जो R&D यहाँ करने में इन्हें जोर दिया है प्रधानमंत्री ने, उसमें एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने यही नहीं देखा है कि ये सरकारी कार्यशालाओं में ही इसका निर्माण होगा जो अभी तक हम करते थे। जी, अब उन्होंने कहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा और इसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी सम्मिलित रखेंगे, क्योंकि आगे चलकर जो निर्माण होगा या जो आयात निर्यात होगा वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। जी, तो उन्होंने ये भी देखा है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साझेदारी लेबोरेटरी में करना पर्याप्त नहीं है, स्किल डेवलपमेंट भी जरूरी है कि जो लोग उसमें काम करेंगे, जो PhD के छात्र होंगे, जो इसमें रिसर्च करेंगे, उधर भी ध्यान दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। तो मोटे तौर पर मतलब आपका मानना यह है कि प्रधानमंत्री ने इसकी उपलब्धता के साथ साथ इसकी जो उपयोग है उसको दो तरीके से आंका है। पहली कि हम सामाजिक जिम्मेदारियों के तरह कि हमको पर्यावरण को भी बचाना है, हम उसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, ये व्यापारिक संभावनाओं के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है और कितना बड़ा एक अवसर प्रदान कर सकता है भारत ही नहीं पूरे विश्व को, उस पर भी उन्होंने गौर किया है। इसकी वजह से सरकारी क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने निजी क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया। और इस विजन को कहिए या इस कल्पना को लेकर सबसे बड़ा फायदा ये होगा जो अन्य देशों में देखा गया है अन्य पदार्थों के लिए कि इसके दाम घटेंगे। जी, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब हमारे यहाँ से R&D और मजबूत होगी, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो R&D भी मजबूत होगी, क्योंकि हमारी उसमें जो लाभ हो रहा है वो बढ़ेगा। जब तक पूरा पैकेज नहीं बनाया जाता है तब उसके बिना ये ट्रांजिशन कहिए या ये क्रांतिकारी कदम नहीं होता है। ये जो विजन प्रधानमंत्री ने दी है इसका महत्व हम आगे जाके देखेंगे कि एक कल्पना उन्होंने की है कि ग्लोबल हब होना है हमको, हमको विश्व में सबसे बड़ा आयात निर्यात या मैन्युफैक्चर का क्षेत्र हमको बनना है, क्योंकि हमारे यहाँ केमिकल इंडस्ट्री है, हम शुरू से केमिकल इंडस्ट्री पर हमारा अच्छा खासा कब्जा रहा है और सोलर एनर्जी भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन की उपलब्धता है। जी, जहाँ पे सड़क गाड़ी ट्रांसमिशन लाइन आसानी से हो सकती है, अन्य देशों में ऐसा नहीं है। ज्यादातर उबड़ खाबड़ जगहें हैं, पर्वतीय क्षेत्र है या हिमपात के क्षेत्र हैं, जहाँ ये सब संभव नहीं हो पाता है। और इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रीय विकास भी होगा, पर्यावरण पर भी हमारा सहयोग होगा विश्व स्तर पर, और सबसे बड़ी बात ये होगी कि आगे चलकर ये हम देख सकते हैं कि अगर इस पर जोर मिला और अगर हमारी R&D की वजह से ये सस्ता हुआ और उपयोगिता बढ़ी तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मोटे तौर पे ये जो आपने कहा कि भारत इस दिशा में बहुत दीर्घकालिक पे काम कर रहा है, योजना पर काम कर रहा है, लेकिन अभी फिलहाल शोध के अलावा और कौन से क्षेत्र हैं जिसमें इस मामले में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए? सबसे बड़ी चुनौती तो स्टील प्रोडक्शन में है, क्योंकि स्टील की आवश्यकता बढ़ेगी और उसमें हमको कोयले की जरूरत पड़ती है उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए। पर ये तो हम उपयोगिता की तरफ आ गए। जी, हमको जब मैन्युफैक्चरिंग या R&D की तरफ जाते हैं तो हमारे यहाँ उतनी चुनौतियां नहीं है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ से पहले ही बहुत सुदृढ़ रूप में है। हमारे IIT, हमारे यूनिवर्सिटीज में केमिकल सेक्टर पर बहुत पहले से जोर दिया गया है। तो एक फाउंडेशन तैयार है, उसको हमको थोड़ा सा तीव्र करना है, उसमें थोड़ा सा मदद करके लोगों को प्रोत्साहित करना है, एक दिशा देनी है। वो दिशा प्रधानमंत्री ने दी है कि R&D पर जोर देंगे और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देंगे ताकि PhD के स्टूडेंट आगे बढ़ें। अगर हमारे यहाँ पेटेंट बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं तो उसी तरह से कमर्शियलाइजेशन
कहिए या उसका प्राइवेट सेक्टर की उपयोगिता को लेकर हम मैन्युफैक्चरिंग या निर्यात पर भी जोर दे सकते हैं, अपने यहाँ उपयोग कर सकते हैं। ये समझा जाए कि जो शोध यानी R&D पे बहुत ज्यादा फोकस भारत कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, उसका लक्ष्य सामान्य तौर पर यही है कि इसकी उपयोगिता को कैसे बढ़ाएं, उत्पादन की लागत है या स्टोरेज की लागत है उसको कैसे कम से कम कर किया जाए, और इसको जो परिवहन है इसका इधर से उधर भेजने की भी जो लागत है उस पर क्या क्या नए उपाय किए जाए और जिससे ये आम जनता के लिए एक सुलभ हो सके। ये रिसर्च बेस अगर नहीं सुदृढ़ होता है तो आगे चल के हम पिछड़ जाते हैं। अन्य देशों के अनुभव से यही देखा गया है और भारत खुद का यही अनुभव रहा है। जब R&D पर इतना जोर दिया गया है, जैसे मैंने पहले कहा कि ये पहला मिशन है जिसमें इतना जोर R&D पर भारत में दिया गया है शुरू से। आमतौर पर माना यह जाता था कि भारत जो है शोध के मामले में कहीं न कहीं पिछड़ा रहता है, लेकिन अगर इस मामले इतना जोर शोर से ध्यान दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसके जो नतीजे हैं वो बहुत बेहतर मिलने की उम्मीद होगी और ये बहुत बड़ी चीज है और ये प्रधानमंत्री की उपलब्धि होगी। एक विजन का ये या कल्पना का ये स्वरूप है कि उनने इस बात को सोचा कि सिर्फ टारगेट नहीं रखना है हमको यहाँ पे, और भारत के लिए बहुत बड़ी एक देश के रूप में एक बहुत बड़ी संभावनाओं का द्वार खोलेगा। किस तरह की चीजें भारत ने यूरोपीय संघ के साथ भी इस बारे में साझेदारी करने की योजना बनाई है, ये योजना कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी, खासतौर पर जब इस तरह की हम नवीन या हरित ऊर्जा की बात करते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इस तरह की जो साझेदारियां होती हैं वो किस तरह से व्यावसायिक तौर पर और अवसर प्रदान करती हैं? देखिए ऐसा है कि जो भी साइंटिफिक रिसर्च होती है वो एक अकेला कोई नहीं करता है, एक सम्मिलित प्रयास होता है इसका। अब भारतवर्ष ने इस बात पर फिर जोर दिया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम यूरोप के साथ संधि करें इस मामले में, क्योंकि यूरोप भी ढूंढ रहा है किसी बड़े देश को कि हम उनके साथ मिलकर R&D करें। तो भारत अगर इस तरह से यूरोप के साथ होगा तो अन्य देशों के साथ भी इसी तरह के समझौते होने शुरू हो जाएंगे। और अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम पदार्थ को बेचेंगे या किसी से पदार्थ खरीदेंगे, इसमें जो आपस में संबंध बन रहे हैं वो R&D को लेकर बन रहे हैं। ये भी एक नई चीज है कि R&D को लेकर संबंध हम बनाएं, क्योंकि R&D में संबंध बनाना आसान होता है, उसके उपयोग में जाके कंपटीशन या फिर दूसरी संबंध वो पूरी तरह से व्यावसायिक हित उसमें आ जाते हैं, देखते हैं लोग, पर R&D में ये बात नहीं आती है। शोध में नई चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है और दोनों पक्ष को मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझता हूं कि दोनों पक्ष नई से नई चीजों को जोड़ने में और खोजने में दोनों को फायदा होता है और उसका फायदा पूरा विश्व। अभी तक जो हम कर भी रहे थे तो हमको उतना फायदा नहीं हुआ, औरों को हमारे शोध कोऑपरेशन में फायदा हुआ है। अब की जब भारत ने कह दिया कि मैं ग्लोबल हब बनाऊंगा, मैं इस तरह से इसकी मात्रा को बढ़ाऊंगा, तो पहली बार इस तरह के R&D कोऑपरेशन में देख रहे हैं कि हमको भी इससे कुछ मिलना चाहिए। हाल ही में इस तरह की भारत में सोच भी आई है मोदी सरकार के समय से कि भारत दूसरों पर आश्रित होने के बजाय अपने यहाँ कुछ नई चीजों का उत्पादन करे, तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इस बारे में सिर्फ पदार्थ की बात ही नहीं करें, इसके जो सह उत्पाद होंगे उसके बारे में भी क्या भारत सतत शोध कर रहा है या शोध को बढ़ावा दे रहा है? निजी क्षेत्र को किस तरह से इसमें शामिल करने की योजना की गई? क्या सरकार ने कुछ इस तरह के प्रोत्साहन के भी पैकेज के बारे में सोचा है या लागू किया है? प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भरता का ये एक अंग है। आत्मनिर्भरता का ये मतलब होगा कि विभिन्न स्थानों में विभिन्न क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर होते चले जाएं। अभी तक ये देखा गया है कि जो R&D किया जाता है वो R&D एक अलग रहता है और उसके उपयोग में एक कठिनाई होती है। इस बात पर सोचा गया है इस हरित हाइड्रोजन मिशन में कि हम एक मिनिमम शेयर रखेंगे कि अगर स्टील इंडस्ट्री है या अमोनिया इंडस्ट्री है, कोई और इंडस्ट्री है, उसको कानूनन कहा जाएगा कि इतना प्रतिशत तुम ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करोगे, तो जो शोध कर रहे हैं उनको भी एक सामने लगता है या जो इसके मैन्युफैक्चरिंग पे आगे बढ़ेंगे कि हाँ अगर हम इस पदार्थ को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इसकी उपयोगिता हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमारा और इससे हमारा पैसा वसूल भी होगा हमको। तो जब तक ये पूरा साइकिल नहीं स्थापित की जाती है आगे नहीं बढ़ता है, तो इस गहराई तक सोचा गया है, इसी से लगता है उत्पादन जब करें तो उसकी लागत कैसे निकले और उसकी बिक्री कैसे हो, और बिक्री सुनिश्चित होगी शुरू में, तो बिक्री सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरह से ये सोच के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाया गया है, अवश्य लगता है कि भारत ग्लोबल हब हो सकता है और होगा। मुकुल जी, इस कार्यक्रम में आने और इतने सरल भाषा में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ग्रीन हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद मुकुल सानवाल। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।